नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नाउन फंक्शन एंड रिलेशन का पार्ट 5। और आज हम जानेंगे केस इन एपोजिशन के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। केस इन एपोजिशन, जिसको हिंदी में समान अधिकार कारक कहते हैं, यहां पर हम एपोजिशन के उच्चारण पर ध्यान देंगे। ये लिखा है एपोजिशन, नॉट अपोजिशन। कुछ बच्चे इसको अपोजिशन पढ़ते हैं, तो ये अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन विपरीत या उल्टे, विपरीत अर्थ में प्रयोग होता है और ये समान अर्थ में प्रयोग होता है। ये है एपोजिशन और वो होता है अपोजिशन। केस इन एपोजिशन की परिभाषा हम देखते हैं। जब एक नाउन दूसरे नाउन को स्पष्ट करे, इट मीन्स जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के संबंध में हमें जब बतलाती है, तो वहां पर जो नाउन दूसरे नाउन को स्पष्ट कर रही है, तो वो स्पष्ट करने वाली नाउन जो है वो केस इन अपोजिशन में रखी हुई होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। रवि माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर। तो जब इन दो सेंटेंस को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, तो रवि इज ए डॉक्टर, माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है, क्या वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं? नहीं, यहाँ पर डॉक्टर जो है वो एक ही व्यक्ति है, यानी डॉक्टर ही रवि है और डॉक्टर ही माई फ्रेंड यानी मेरा मित्र है। तो डॉक्टर के लिए दो नाउन इस्तेमाल की गई हैं, एक रवि और एक माई फ्रेंड। तो इनमें से जो रवि है, जो शुरू में लिखी हुई है, वो सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक है, और जो दूसरी नाउन फ्रेंड रखी हुई है वो केस इन अपोजिशन में रखी हुई है, क्योंकि वो यहाँ पर रवि को स्पष्ट कर रही है कि रवि जो है वो कौन है, वो मेरा मित्र है। ये स्पष्टीकरण कर रही है रवि का, यानी रवि को स्पष्ट कर रही है कि रवि क्या है, मेरा मित्र है और रवि डॉक्टर भी है। तो ये इसका स्पष्टीकरण कर रही है, इसलिए यहाँ पर ये केस इन अपोजिशन में रखी हुई है। एक और सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अजय पाल माई फादर इज ए फार्मर। तो अजय पाल मेरे पिता एक किसान हैं। तो इनको जब हम अलग अलग करेंगे, तो अजय पाल इज ए फार्मर, माई फादर इज ए फार्मर। तो यहाँ पर जो फार्मर यानी किसान है, क्या वो दो व्यक्ति हैं? नहीं, एक ही व्यक्ति है, यानी फार्मर जो किसान है वही अजय पाल है, और जो फार्मर किसान है वही मेरे पिता यानी फादर हैं। तो यहाँ पर फार्मर के लिए दो नाउन प्रयोग की गई है, एक है अजय पाल और एक है फादर। तो इसमें से जो अजय पाल यानी जो शुरू में लिखी हुई है, वो सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक है, और इस अजय पाल को स्पष्ट कौन सी कर रही है, क्लियर कौन सी कर रही है, फादर कर रही है। यानी फादर जो नाउन है वो बता रही है कि अजय पाल मेरे पिता है, अजय पाल के संबंध में हमें कुछ सूचित कर रही है, हमें समझा रही है कि अजय पाल कौन है, मेरे पिता है। तो जो माई फादर है वो क्या है, केस इन अपोजिशन में रखी हुई है, वो अजय पाल को स्पष्ट कर रही है यहाँ पर। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। और केस इन अपोजिशन की पहचान भी है कि जो केस इन अपोजिशन की जो नाउन होती है, वो जो शुरू की नाउन जो सब्जेक्ट होता है, जस्ट उसके बगल में रखी हुई होती है, उसके दोनों तरफ कॉमा लगा हुआ होता है। आई थिंक आप इस लेसन को अच्छे से समझ गए होंगे कि केस इन अपोजिशन क्या होता है और इसका हम सेंटेंस में प्रयोग कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपनी सुझाव प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए, उसको हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, गेट नॉलेज। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।